और सरायकेला के गांगुडे फुटबॉल मैदान में जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने चुनावी जनसभा की। यहां उन्होंने इंडिया प्रत्याशी यशस्वनी सहाय के समर्थन में वोट की मांग की। कल्पना सोरेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारी मतों से यशस्वनी सहाय को जीत दिलानी है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए हेमंत सोरेन को बेकसूर और निर्दोष बताया। कल्पना सोरेन ने कहा कि मोदी सरकार आदिवासियों के साथ साजिश कर उनके हक अधिकार को खत्म करना चाहती है। आदिवासी मूल वंशियों के जल जंगल जमीन का सौदा पूंजीपतियों के साथ किया गया, जिसे झारखंड के लोग साकार नहीं होने देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अभी हम लोग कुकलू में थे, वहाँ भी बहुत बड़ी सभा होती है, यहाँ भी जिस चलाते थे, तो लोगों के मन में जो अंडर करेंट है उसको मोदी जी शांत नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोगों को क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहने में वोट मांगा, कभी कहते हैं बुलडोजर लगा के जब हम लोग मंदिर तोड़ देंगे, तो मेहमान को पता ही नहीं है कि मंदिर का अकेला देश में बनवाने वाला और करने वाला तीन सरकार में निगोशिएशन किया हमने, बीपी सिंह की सरकार में, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव के साथ। मेरा ही डॉक्यूमेंट शायद सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मोदी जी ने नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे ऐसे भाषा मैडम ने कहा कि मंगल सूत्र ये एक निःशब्द हो गया। और रांची का जो लोकसभा जीतने के बाद निश्चित तौर पर उनको रेस्ट करने के लिए रांची में ही अच्छी जगह है, जहाँ सारे मानसिक तनाव दूर है।